ड्राइव वाला पूछे, देखो क्या है कि नागरिकता संशोधन कानून पूर्णतः संविधान की मंशा के अनुसार जो राज्यसभा और लोकसभा को पास करना, वो पास किया और कानून का रूप राष्ट्रपति के दस्तखत से लागू हो गया। न कोई सरकार ये कह सकती कि हम इसका पालन नहीं करेंगे। यहाँ के मुख्यमंत्री जरूर बोल गए, लेकिन बाद में उनको भी संपट आया कि यार ये कानून का तो विरोध नहीं कर सकते हैं। तो आज अपने नेताजी को ये दिखाने के लिए कि हम भी इस कानून का विरोध कर रहे हैं, इसलिए एक संकल्प लेकर के आए हैं और उस संकल्प में सुझाव दे रहे हैं ये भी होना चाहिए। एनआरसी का इससे क्या लेना देना, इसमें तो दो टूक दो बातें हैं कि जो शरणार्थी जो उस एरिया से जो आए हैं, जिन्होंने प्रताड़ित होकर के आए हैं, उनको नागरिकता देना है 11 साल के बजाय 5 साल के अवधि कर दी, ताकि 5 साल के पहले वाला तो इस कानून के तहत भी नहीं है। जो डॉक्यूमेंट लेकर के आना पड़ता है, जिसके कारण से वो बार बार धक्के खाता है पुराने कानून से, इस बार इन लोगों को कोई कानून है ना धक्के नहीं खाने पड़ेगा और केवल एक डॉक्यूमेंट देना है कि मैं 31 दिसंबर 2014 के पहले से यहाँ हूँ। मतलब आला कमान को खुश करने के लिए कांग्रेस 100%, बाकी तो लाने का कोई औचित्य नहीं था।